हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन मेकर। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया एडमिशन 2021 के फुल प्रोसेस के बारे में, डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन के लिए यूजी पीजी जितने भी कोर्सेज जामिया मिल्लिया इस्लामिया ऑफर करता है इन सभी के बारे में डिटेल में एनालाइज किया जाएगा कि उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा, क्या कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन के लिए, साथ ही एप्लीकेशन फ़ी क्या होगा, जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे उसका एप्लीकेशन फ़ी वो क्या लगने वाला है, साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा जामिया में एडमिशन के लिए, एंट्रेंस एग्जाम जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया कंडक्ट करवाता है उसका पैटर्न क्या होगा, एग्जाम पैटर्न को हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ ही एग्जाम सेंटर्स कहाँ कहाँ होते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में डिफरेंट कोर्सेज के लिए, और टोटल कितना परसेंट रिजर्वेशन है जामिया में डिफरेंट कैटेगरी के लिए एससी एसटी ओबीसी के लिए। तो इस वीडियो हम लोग इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में एनालाइज करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स के बारे में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के। जो एग्जाम का नेम है ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया एंट्रेंस टेस्ट है, कॉमनली ये जेएमआई एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। यह कंडक्टिंग बॉडी जामिया मिल्लिया इस्लामिया खुद है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया खुद इस एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करता है। एग्जाम का अगर लेवल देखा जाए तो ये सेंट्रल लेवल पे होता है, यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है, ऑल इंडिया से स्टूडेंट्स इनमें पार्टिसिपेट करते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन होता है, पेन पेपर मोड पे आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है जामिया मिल्लिया इस्लामिया का। टोटल कोर्सेज अगर देखा जाए तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया 56 कोर्सेज ऑफर करता है यूजी प्रोग्राम में और टोटल 80 कोर्सेज ऑफर करता है पीजी प्रोग्राम में। अगर आप इसका डिटेल देखना चाहते हैं कि टोटल कितने कोर्सेज हैं तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें, उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट देखा जाए जामिया मिल्लिया इस्लामिया का तो www.jmi.ac.in है। तो जितने भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के रिगार्डिंग आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा जामिया मिल्लिया इस्लामिया के रिगार्डिंग तो वो आपको हमारी तरफ से वीडियो बना करके बता दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉप पॉइंट है हमारा जामिया एडमिशन 2021 की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म देखा जाए तो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2021 में ये रिलीज हो जाएगा, ठीक है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपको सेकंड वीक ऑफ मार्च और थर्ड वीक ऑफ मार्च भी कह सकते हैं, क्योंकि लास्ट डेट होगा। आपको एडिटिंग का ऑप्शन भी उसके बाद मिलेगा, फॉर्म जब आप फिल कर लेंगे अगर आपने उसमें कुछ मिस्टेक्स किया है तो आपको एडिटिंग का भी ऑप्शन मिलेगा। 5 से 6 दिन का आपको टाइम मिलता है एडिटिंग के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड टू थर्ड वीक ऑफ मार्च में एडिटिंग का टाइम मिलेगा। एडमिट का जो इसका सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में रिलीज होगा 2021 में, ये सभी जितने भी डेट्स आपको बताए जा रहे हैं ये सभी टेंटेटिव डेट्स हैं, ये सभी डेट्स आगे होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो एंट्रेंस एग्जाम है ये मई में कंडक्ट होता है नॉर्मली यूजुअली। रिजल्ट डिक्लेरेशन आपका जून में फाइनली रिजल्ट इसका जामिया मिल्लिया इस्लामिया का आ जाएगा सभी कोर्सेज का लगभग, और एडमिशन का जो सेशन शुरू हो जाएगा 4th week of September से, यानी कि अक्टूबर से आप क्लास जामिया में कर सकते हैं अगर आप इसका एंट्रेंस को क्लियर कर लेंगे तो। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट पे हमारा जामिया एडमिशन 2021 का जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसके बारे में यहाँ पे कुछ डिटेल में बातें बताई गई है, तो इन सभी चीज़ों को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कॉमन सा बात है कि आपको फोटो ग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होगा एट द टाइम जब आप फॉर्म को फिल करेंगे, तो इन सभी चीज़ों को आप पढ़ लें वीडियो को पॉज करके। अब हम लोग बात करें तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल करेंगे उसका फ़ी क्या होगा, यहाँ पे कुछ कोर्सेज दिए गए हैं तो इन कोर्सेज को आप देख सकते हैं। तो इन सभी कोर्सेज का टोटल फ़ी 700 आपको पे करना होगा, जो यहाँ पे कोर्सेज मेंशन है सिर्फ इन्हीं कोर्सेज का है 700 फ़ी। उसके अलावा नीचे में आप देखें जितने भी अदर कोर्सेज हैं बीटेक बीआर्क तो उनका 550 आपको पे करना होगा, तो लगभग सभी कोर्सेज का 550 फ़ी है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का, और ऊपर में जो कोर्सेज दिए गए हैं इसका टोटल 700 फ़ी है। अब हम लोग देखें तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन के लिए। अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए 12th में, विथ बेस्ट 5 पेपर्स में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी कोर्सेज में देखा जाए तो आपका एटलीस्ट 45% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 55% मार्क्स इन दी सब्जेक्ट कंसर्न होना चाहिए, तभी आप पीजी कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। अब हम लोग बात करें कि कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जिसका टेस्ट सेंटर डिफरेंट सिटीज़ और स्टेट में होता है, तो यहाँ पे कुछ यूजी कोर्सेज मेंशन किए गए हैं, यहाँ पे कुछ पीजी कोर्सेज मेंशन किए हैं। ये जितने भी कोर्सेज हैं इनका एग्जाम सेंटर डिफरेंट सिटीज़ और डिफरेंट स्टेट्स में होता है। इसके अलावा और जो भी कोर्सेज हैं उसका एग्जाम सेंटर्स या तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के आपको कैंपस में जाकर के एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, या फिर आपका एग्जाम सेंटर न्यू दिल्ली होगा, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं होगा फॉर्म
फिल करते टाइम। तो ये इन कोर्सेज में अगर आप अप्लाई करते हैं तब इसका सेंटर शायद हो सकता है कि आपके स्टेट में हो। तो यहाँ पे आप इन सभी कोर्सेज को देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके कि किन किन कोर्सेज का एग्जाम सेंटर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में है, ठीक है। तो आप इन सभी चीज़ों को देख लें। अब बात करें एग्जाम सेंटर्स कहाँ कहाँ होगा, तो ये कैलिकट, दिल्ली, गुवाहाटी, श्रीनगर, पटना, लखनऊ, कोलकाता, ये कुछ एग्जाम सेंटर्स के नाम दिए गए हैं। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तब आप उसमें से चूज कर लेंगे एग्जाम सेंटर्स। ऊपर में जो कोर्स मेंशन किया गया है सिर्फ उसी कोर्सेज का एग्जाम सेंटर डिफरेंट सिटीज में है, और जो भी कोर्सेज हैं उसका एग्जाम सेंटर सिर्फ आपको जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जाकर के उसका एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। अब हम लोग बात करें तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसका एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जैसे कि आपको बताया गया ये ऑफलाइन होगा। टाइप ऑफ क्वेश्चंस होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, एमसीक्यूज होगा आपका। करेक्ट आंसर होने पर एक मार्क्स आपको मिलेगा और माइनस होने पर निगेटिव मार्किंग है आपका 0.25 का। अनआंसर्ड क्वेश्चंस का 0 मार्क्स मिलेगा, इस पर कोई भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा अगर आप किसी क्वेश्चंस का आंसर नहीं करते हैं। तो अब हम लोग आए तो क्या रिजर्वेशन है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में डिफरेंट कैटेगरी के लिए। तो सबसे पहले देखा जाए तो मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन है आपका, जो जनरल मुस्लिम्स हैं उनके लिए 30% का रिजर्वेशन है, मुस्लिम वुमेन के लिए 10% का रिजर्वेशन है, ओबीसी और जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए 10% का यहाँ पे जामिया मिल्लिया इस्लामिया में रिजर्वेशन है। पीडब्ल्यूडी वालों का 5% रिजर्वेशन है। इंटरनल यानी कि जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पहले स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए 5% का रिजर्वेशन है, और कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी 5% का रिजर्वेशन है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर का रिजर्वेशन, और फॉरेन कैंडिडेट्स अंडर जनरल कैटेगरी में जो भी फॉरेन कैंडिडेट्स होंगे जनरल कैटेगरी में तो यहाँ पर उनका रिजर्वेशन देख सकते हैं। साथ ही एनसीसी कैडेट्स का भी आप यहाँ से रिजर्वेशन देख सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन देना था। अगर आपके मन में कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है आप लोग से बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में।